कितनी हसीन वादियाँ हैं, कितने सुंदर पेड़, और स्प्रिंग सीजन चल रहा है तो कितना सुंदर लग रहा है। हमको ऐसा लगा कि हम ही क्यों देखें, आप भी देखिए ये नज़ारा, कितना ऑसम लग रहा है। वाओ, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत दोबारा हमारे चैनल में। मैं अमित सेमवाल और मैं निशा आपका स्वागत करते हैं अपने फिर से एक हरे भरे नेचर के साथ वाले ब्लॉग में, क्योंकि आपको पता है कि हमारे ब्लॉग में आपको ग्रीनरी, हरी भरी घास, पौधे, प्लांट्स, फ्लावर्स, प्रकृति, इतनी खूबसूरत चीज़ें दिखेंगी। तो इसलिए हमने बोला कि हमारे इस हरे भरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अब जो है हम आपको आज लेके जाने वाले हैं, कहाँ कहाँ लेके जाने वाले हैं हम लोग? धारकोट जा रहे हैं। हाँ। धारकोट मतलब एक गांव है, ठीक है, ये पड़ता है थानो रोड पे। एक रोड लेफ्ट को चली जाती है, लेफ्ट रोड आपको धारकोट की तरफ चली जाती है, राइट आपका एयरपोर्ट की तरफ चली जाती है। हाँ, तो है? हम वहाँ आपको लेके जाने वाले हैं। हम भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, एक्चुअली हम भी एक्सप्लोर करते रहते हैं अपने ब्लॉग के थ्रू, आपको भी दिखाते हैं और अपना खुद भी देखते हैं, चौंकते हैं कि कितना सुंदर है। तो आपको भी इतना इतना प्यारा गाँव है, इतना बढ़िया लग रहा है, ग्रीनरी मतलब इतना अच्छा लग रहा है। खेत मतलब खेतों में गेहूँ मतलब है यहाँ पे सारे, हर जगह ही मतलब सारा। चलो तो फिर चलते हैं आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं आगे की मंजिल। वाओ गाइस, ये कितना शानदार लग रहा है ये। ये देख रहे हो यहाँ पे, अभी जब बरसात के टाइम पे ये पूरा पानी से भर जाएगा तो और प्यारा लगेगा। और जंगल देख रहे हैं हरा भरा, कितनी हाइट पे आ गया ऐसा लग रहा है हमने यहाँ पे निशु। और वहाँ पे देखो पूरा देहरादून दिख रहा है, वहाँ से पूरा छोटे छोटे से घर हैं पूरी पहाड़ियों के बीच में, इतना शानदार मज़ेदार पूरा देहरादून का दर्शन हो रहा है यहाँ से ना। हाँ बढ़िया लग रहा है सच में, कितना प्यारा लग रहा है। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, है ना दी? ठीक है, तो ये जगह है वहाँ पे, हमने यहाँ पे अपनी स्कूटी खड़ी कर दी है। ठीक है, ये स्कूटी हमने यहाँ पे खड़ी कर दी, ठीक है, और यहाँ से स्कूटी जा सकती है ऊपर, पर हम सोच रहे हैं थोड़ा पैदल चल ले, है ना, और पैदल चल के। और यहाँ पे पेड़ देखो कितने अच्छे लग रहे वाले, अरे वाह, पूरा मतलब गांव का ही फील हो रहा है। हाँ ये भी गांव, इससे पहले भी हमने कुछ वीडियोस दिखाई जिसमें गांव का फील आ रहा था, और यहाँ भी जो है गांव का फील आ रहा था। गांव यही है वैसे आई थिंक ना। हाँ पूरा ही गांव ही है, धारकोट धारकोट गांव ही तो है। हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है। हाँ काफी ठंडी ठंडी हवा कहते हैं ना जिसे, वो बह रही है शुद्ध हवा। और यहाँ देखो ये रास्ता है, मतलब स्कूटी चली जाएगी आराम से, ऐसा कुछ नहीं है, पर हम सोच रहे थोड़ा ट्रैकिंग, हमारे वीडियोस में ट्रैकिंग भी होती है तो हम थोड़ा सा ट्रैक करके जाते हैं। हां विद चाइल्ड, ये विद शैतान चाइल्ड, ये रहा हीरो। चलो तो ऊपर जाकर दिखाते हैं आपको ऊपर क्या है। थोड़ी सी ट्रैकिंग करी हमने, और ट्रैक करते करते हम पहुंच गए अपनी मंजिल पे। तो हम बहुत ही खूबसूरत जगह जिसे कहते हैं, आपको हम अपने ब्लॉग में बहुत खूबसूरत जगह दिखाते ही हैं, और वो खूबसूरत जगह दिखाने का मेन मोटिव हमारा ये भी होता है बिकॉज हमने यहाँ पे कई लोगों से बातचीत करी तो हमको ये पता चला कि यहाँ पे कई पिकनिक वाले आते हैं, पिकनिक मतलब काफ़ी आते हैं यहाँ पे बिकॉज नेचर की ब्यूटी हर किसी को देखनी होती है, पर संजो के कैसे रखनी है ये हर किसी को नहीं पता होता। बिकॉज हमने यहाँ पे जब बात करी तो यहाँ पे कई जो गांव वाले थे वो बोल रहे थे कि मतलब वो आते हैं और वो गंदगी करके चले जाते हैं, फिर हम वो सब साफ़ करते हैं। तो अगर आपको नेचर की ब्यूटी अच्छी लगती है और आप घूमने आ रहे हो तो ऑब्वियसली उसको जो है मेनटेन करके रखना भी आपका जो है मेन ऑब्जेक्टिव है। तो बस वही चीज़ हम आपको बताना चाहते थे अपने ब्लॉग के थ्रू, और दिखाना भी चाहते हैं आपको कितनी सुंदर जगह पे हम आए हुए हैं, और ये सुंदर जगह तभी रह सकती है जब हम इसको बनाए रखेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हम कौन सी जगह पे आए हैं। जगह का नाम तो धारकोट है, देहरादून में धारकोट, वहाँ पे हम आए हुए हैं, और काफ़ी पीसफुल सीरिनिटी जिसे बोलते हैं वो है यहाँ पे। चलिए देखिए आप भी, मजे लीजिए नेचर की ब्यूटी का। Thank you.
पे नीम करोली बाबा जी का मंदिर भी है, जिनका एक मंदिर नैनीताल में भी है, काफ़ी फेमस मंदिर है। अभी तो थोड़ा हम मतलब टाइम की कमी की वजह से जा नहीं सकते, बट कभी आपको उनके सही से दर्शन, अच्छे से दर्शन करवाएंगे। अभी उनकी कुछ झलकियाँ आपको दिखा देते हैं हम अभी। यही वो एक फेमस प्रसिद्ध मंदिर है बाबा नीम करोली जी का। दोस्तों देखो सनसेट हो रहा है, कितना प्यारा, और सूरज इतना बड़ा लग रहा है। सनसेट होने वाला है बस। तो गाइस इसी खूबसूरत नज़ारे के साथ कितना सही लग रहा है, बस इसी खूबसूरत नज़ारे के साथ हम अपने इस प्यारे से ब्लॉग का एंड करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर नए हो और पहली बार हमारे चैनल में पहली बार हमारी वीडियो देखी है, तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।